इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हेड साहब के बड़े भाई साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो भी दो शब्द कहें। ऐसा सरकारी सेवा में सभा में उपस्थित स्थानीय अध्यक्ष जी, मंडल जी, अन्य स्थानीय अभिभावक, मेरे यहाँ जो विद्यालय स्टाफ है, स्टाफ के बड़ा अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा, बड़ी खुशी हुई मुझे। ये सरकारी सेवा में ये होता है, आदमी का एक समय होता है कि निश्चित समय में उसको सेवा से निवृत्त होना ही पड़ता है। वो तो सरकार ने नियम बना रखा है कि 60 साल के बाद आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ठीक अच्छी बात है, सरकार ने भी ये देखा कि भाई आदमी उसके बाद ठीक है, उसके शारीरिक दुर्बलताएँ कई एक आ जाती हैं उसके शरीर में, इसलिए वो सेवानिवृत्त होता है। उसने सरकार ने भी इसी उद्देश्य से ये चीज़ें बनाई हैं। बड़ा अच्छा आप लोगों का यहाँ पर भाई साहब मुझे बताते रहता था, यहाँ पर मेरा स्टाफ ऐसा है, अच्छा सहयोग उन लोगों से मिला। मैं तो पहले ही रो जाऊंगी। आज के 10 साल भाई ने विद्यालय को बनाने में लगा है। आज बड़ा अच्छा यहाँ पर लग रहा है, मेरे बोली की भी विद्यालय बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसी उद्देश्य से मैं आज देखने भी आया यहाँ। तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन आज क्षेत्र में विद्यालय का नाम हो गया, विद्यालय की बिल्डिंग बना बन के बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना रखी है, बड़ा सुंदर यहाँ पर वातावरण है विद्यालय के लिए। ऐसे शांत वातावरण में ही जो है होना वैसे बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आजकल के समाज ऐसा हो गया है कि आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया है विद्यालयों में, पब्लिक स्कूलों का प्रचलन ज़्यादा हो गया। मैं भी शिक्षा विभाग से ही रिटायर हूँ, मैंने भी देखा है कि आजकल लोगों में जो है पब्लिक स्कूल में भले ही वो 10वीं पास होगा, लेकिन यहाँ के क्वालिफाइड टीचर को वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल के एक हाई स्कूल पास को उसको पसंद करते हैं। खैर ठीक है, आजकल समय है, समय के हिसाब से आजकल जैसा वो है लोग दिखावा ज़्यादा करने लग गए हैं। हालांकि पब्लिक स्कूलों में क्या है, उससे ज़्यादा कोई यहाँ के टीचर क्वालिफाइड होते हैं, तो ऐसा तो समय आ गया है। लेकिन जो भी है, अब धीरे धीरे समय बदलता है, परिवर्तनशील हुआ समय। चलो जी, आपने जो प्रोग्राम रखा बड़ा अच्छा है, सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन ये होना ही है, आप लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा और हमें भी आप लोगों ने यहाँ पर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी लोगों का, विद्यालय परिवार का, बच्चों का, जो क्षेत्रीय अभिभावक लोग आप लोग आए हैं, आप लोगों को सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर।